पहली बार आए हैं बहरमपुर, कैसा लग रहा है ये बहरमपुर स्टेडियम? नहीं, बहुत अच्छा लगा। आज सबसे पहले मॉर्निंग है तारना तारा देवी के यहाँ दर्शन करने के लिए गया था, तो और भी अच्छा लगा। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर उनका जो शक्ति पीठ है वो भी है, प्लस ग्राउंड में आके यहाँ देखा जितना अच्छा क्रेज उड़ीसा में सभी जगह पे है, बहुत ही अच्छा। यहाँ के जो सेक्रेटरी है विजय सर, उनके थ्रू जो ये स्टेप लिया गया टूर्नामेंट कराने का, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यंगस्टर के लिए कि आप इसको यूज़ कीजिए, फ्यूचर में उसको आप उड़ीसा के लिए खेलिए, आप कंट्री के लिए खेलिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत कम स्टेट में आप लोग को मिलता है और इसको अच्छा से यूज़ करना चाहिए। तो क्या मैसेज क्या करना चाहेंगे अपने? हार्डवर्क करिए, शॉर्टकट यूज़ मत करिए। और जैसा मैंने कहा कि हम लोग जर्नलिस्ट के ही हैं, झारखंड बेस्ड में ही आता, तो मैं बहुत प्लेयर के साथ यहाँ उड़ीसा में खेल चुका हूँ। यहाँ पे प्लेयर में बहुत टैलेंट है। हम लोग जनरली जब भी खेलते हैं ईस्ट में, तो दो ही टीम है जिसके बारे में हम लोग प्लानिंग करते हैं मैच जीतने के लिए, एक उड़ीसा एक बंगाल है। तो आप समझ सकते हैं कि उड़ीसा को हम लोग बहुत अच्छे स्टेप में रखे हुए हैं कि बहुत अच्छी टीम है। यहाँ पे जितने भी प्लेयर हैं, जैसे अभी गोविंद बैठे हुए हैं, बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो कि उड़ीसा के लिए रिप्रेजेंट किए हैं और अच्छा क्रिकेट खेले हैं, अपर लेवल का क्रिकेट खेले हैं। और जैसा आपने कहा कि अगर प्लेयर को क्या बोलना चाहिए, ज़रूरत नहीं है कुछ बोलने का मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्लेयर हैं सभी अच्छे, जितने यंगस्टर आ रहे वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। सर देखिए, सभी के ड्रीम होता है इंडिया के लिए खेलना, लेकिन आप देखेंगे तो साल भर में 15 ही लड़का खेलते हैं इंडिया के लिए, तो ये बोलना गलत होगा कि नहीं खेल सकते। खेल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप हार्डवर्क करते रहिए, ताकि जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप उस समय रेडी रहेंगे खेलने के लिए, ना कि जब आपको मौका मिला उस समय आप हार्डवर्क कर रहे हैं। सर, इंडियन क्रिकेट में आपका मेमोरेबल? सर, इंडिया खेलना ही अपने आप में एक मेमोरेबल है, क्योंकि जनरली सभी चाहते हैं इंडिया का जर्सी पहनना, तो मैं भगवान से मनाता हूँ कि मैं उस कुछ आदमी में से हूँ जो इंडिया का जर्सी पहन चुका है। लेकिन अगर मेरे से पूछेंगे तो मेरे लिए सचिन सर के साथ बैटिंग करना मेरे लिए सबसे बड़ा मीन्स ड्रीम था, जो कि मैं कभी सोचा नहीं था कि वो पूरा हो। थैंक यू।